गाइज मैं पहुंचा हूं रॉयल इनफील्ड एस्को मोटर सर्विस सेंटर, आप मेरी बैक साइड में देख रहे होंगे, जो कि ऑथराइज सर्विस सेंटर है पड़पड़गंज में। तो मैं अपनी बाइक की आज सर्विसिंग कराने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी राइड पर जा रहे हैं या किसी भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो आपको अपनी बाइक पर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट आपको तब होगा जब आपकी प्रॉपर सर्विसिंग होगी। तो इसलिए कल मैंने लाइट वगैरह का काम कराया था, उसके बाद मैं आज सर्विस कराने के लिए रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर पे आया हूँ। बाइक अपनी जो बाइक है वो सर्विसिंग पे आ चुकी है। देखिए चेन सेट चेंज कराना है, एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर और छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो मैं अभी सारी चेक करा लूँगा यहाँ पर। तो मैंने बता दिया है कि भाई मैंने बाहर लेकर जानी है। देखिए अपना स्टार्ट हो चुका है काम, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो लेट्स सी, उसको देखिए, ये है ओरिजिनल चेन सेट। आपको दिखा देता हूँ, देखिए ओरिजिनल जो रॉयल इनफील्ड का पार्ट्स हैं वो सर्विस सेंटर में ओरिजिनल ही मिलेंगे हमेशा। देखिए ओरिजिनल चेन सेट है, ये आरी का ये फिल्टर है और ये क्लच वायर है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पार्ट क्लीनर है और ये सब चीज़ें हैं मैं जो चेंज कराने जा रहा हूँ अभी। दोस्तों देखिए ये चेन कंपार्टमेंट है और इसको चेन को बदलने के लिए ये कंपार्टमेंट इधर का खोलना पड़ता है, क्योंकि अभी जो यहाँ के टेक्नीशियन हैं उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनसे थोड़ा समझाया। अब ये देखिए इस तरह से रॉयल इनफील्ड में सर्विस सेंटर पे सर्विस की जाती है, रैंप पे लगा करके बहुत अच्छे से सर्विस करते हैं यहाँ पर एस्को मोटर्स में। फिल्टर चेंज किया जा रहा है, बाइक का देखिए ये आरी का ओरिजिनल फिल्टर है। देखिए आपको भी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, जैसे कि चेन लॉक लगाना एक्सेट्रा। ये देखिए मैं चेन लॉक लगाना सीख रहा हूँ कि किस तरह से चेन लॉक को लगाया जाता है। जी बताइए भाई, चेन लॉक के साथ चेन रिंग आएगी? ठीक है, रिंग के साथ दोनों तरफ दो दो रिंग होगी, दो दो रिंग होगी। ठीक है, उनको ऐसे लगाना है? हाँ, नहीं लगा कर रिंग जरूर लगनी चाहिए, नहीं तो चेन लॉक सवाल करें। ओके, ठीक है, लोग पत्ती लगा देंगे दवा से। ठीक है, कंटर दवा का तीनों क्लास से और लोग की पत्ती होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए चेन की लोग पत्ती है, इसका थोड़ी मार करते हैं, ध्यान नहीं लोग यहाँ पे कट होता है। अच्छा, लोग उसका अपना ऑटोमेटिक बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, ये जरूर दबाते हैं, तो अगर लोग खुला होगा ना तो टूटने का चांस ज़्यादा होता है। ओके, बोले बैठ गया लोग। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, देखिए चेन का लॉक आपको लगाना आना चाहिए, इन केस प्रॉपर बैठ जाना चाहिए लॉक को, तो अच्छे से दबा दें, क्योंकि आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। देखिए दोस्तों क्लच वायर चेंज हो रहा है और ये भी आपको क्लच वायर भी
पता होना चाहिए कि इस तरह से आपको क्लच वायर फिट करना है। क्योंकि क्लच वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा क्लच जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्लच वायर जो है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, जब मैं केदारकांटा गया था तो रास्ते में मेरा क्लच वायर ब्रेक हो गया था। ठीक है, यहाँ से जो है इसको इस तरह से निकालना होता है। यहाँ क्लच के अंदर इसको फिट कर देते हैं। कितना टाइट रखना होता है क्लच को, मतलब प्रॉपर एक मूवमेंट आना चाहिए, 3 से 4 mm की, 3 से 4 mm का। नट लगाने के बाद ठीक है, इसको करके ठीक है, काफ़ी इजी है ये निकलना। बाकी इसकी फिटमेंट देखना पड़ता है कि लूज है टाइट है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। थोड़ा यहाँ से फिर इसको 3 से 4 mm का थोड़ा क्लच में लूज होना चाहिए, तो उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। ओके, यहाँ से जो है 3 से 4 mm का इसमें लूज होना चाहिए। हाँ बाकी ठीक, फ्रंट डिस्क पैड चेंज हो रहे हैं, देखिए लॉक तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अंदर लगता है, दोनों तरफ होता है, एक ही तरफ लॉक होता है। दोस्तों देखिए इस तरह से जो है, यहाँ जो फ्रंट के डिस्क पैड हैं वो चेंज किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक्सेलेटर वायर को चेंज करने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले जो फ्यूल टैंक है वो हटाना पड़ेगा, पेट्रोल टैंक, उसके बाद ये मीटर वगैरह भी खोलना पड़ता है, तो तब जा कर के जो है ये एक्सेलेटर वायर जो है चेंज होता है। तो दोस्तों एक्सेलेटर वायर भी फिट हो चुका है, और उसके फाइनल जो उसकी फिटमेंट है वो चेक की जा रही है। इसमें 2 वायर्स होती हैं, एक वायर जो है सेकंड प्लग के लिए कार वर्क करती है, और एक वायर जो है एक्सेलेटर के लिए। देखिए कर ही नहीं है उन्होंने। तो दोस्तों मेरी रॉयल इनफील्ड की सर्विस बहुत अच्छे से हो चुकी है, भाई ने बहुत अच्छे से, टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन यहाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से सर्विस कर दी है। तो मैं इनसे एक दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि यदि इनकेस कहीं गाड़ी में कोई दिक्कत आए तो किस तरह से क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बताइए भाई। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो आपके पास गाड़ी की, हाँ, पहले चेन लॉक आता है। चेन लॉक, देखिए चेन लॉक, ये चेन लॉक कंपलसरी है, ठीक है, और एक क्लच वायर, ये दो चीज़ दो पार्ट है। देखिए दो, एक तो क्लच वायर और एक चेन लॉक, दूसरा एक्सीलेटर वायर तो नॉर्मली दिक्कत नहीं करता है, लेकिन फिर भी रखें। अगर जो बाइक स्टार्ट ना हो रही हो कभी,
कोई दिक्कत आ जाए तो क्या करना चाहिए? बाइक अगर स्टार्ट नहीं है तो पहले तो ये देखना पेट्रोल की सप्लाई पूरी हो, पेट्रोल की सप्लाई चेक करना है, वो वहाँ से पाइप हटा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखना प्लग में करंट पूरा आ रहा है कि आ रहा है या प्लग को शॉर्ट, प्लग में करंट है कि नहीं है, प्लग शॉर्ट तो नहीं है, ये चीज़ें दो तीन चीज़ें देखनी है। अगर जो कोई फ्यूज उड़ जाता है इनके, फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि जैसे कई बार लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जब वाटर क्रॉसिंग आती हैं तो उसमें थोड़ी सी समस्या रहती है, क्योंकि पानी से फिर कई बार क्या है फ्यूज वगैरह उड़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम फ्यूज का कैसे चेक करें? तो आप बता देंगे मुझे कौन सा फ्यूज किस काम आता है, थोड़ा सा आइडिया दे देंगे? देखिए ये है अपना फ्यूज बॉक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्यूज लगे हुए हैं सारे, लिखा हुआ है इसमें फ्यूज में लिखा हुआ है और ये होते तुम्हारे आपके मेन ABS का। ओके, ये तीनों ABS ही है। अच्छा, तीन ABS है, ABS सिंगल लाइट। ठीक है, सिंपल है, जानते हैं ये एक्स्ट्रा फ्यूज है क्या? तीन, ये तीन एक्स्ट्रा फ्यूज, तीन एक्स्ट्रा, चार फ्यूज एक्स्ट्रा होते हैं, 5 एम्पीयर लगे। ओके, डॉक्टर में करंट नहीं आ रहा ना, तो आप एक बार इसको निकाल के निकाल सकते हैं बाहर, अगर जो प्लग में भी करंट नहीं आ रहा तो इसको निकाल करके दोबारा से लगा लें, एक बार साफ करके, अगर आपके पास नई न्यू नहीं है इसको चोट मार सकते हैं, इसके पीछे कवर पे चोट मार के इसको लगाना, करंट आ जाएगा, चोट मार के इसमें थोड़ा सा। तो दोस्तों मेनली जो वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो प्लग, स्पार्क प्लग, ये देखिए प्लग, प्लग में करंट चेक करने का तरीका। हाँ, आपको लगा लिया। हाँ ठीक है, हाथ न लगने। हाँ वो देखो करंट आ रहा है, ये प्लग सही है, प्लग सही है, मतलब अभी जब इसका करंट इधर उधर भगेगा ना तो शॉर्ट है, उसमें क्या करना आपको, अगर आपके पास कोई प्लग नहीं है बाहर, हाँ ये जिसमें पत्थर है, हाँ पत्थर को पूरे को तोड़ दो, कैसे भी करते पत्थर को तोड़ दें, तोड़ दो और इसको थोड़ा हल्का सा नीचे झुका दें इसको। ठीक, तो प्लग को देखिए क्लीन कर लेते हैं इस तरह से, रेक मार मार के क्लीन हो जाएगा प्लग। तो दोस्तों प्लग बिल्कुल हमारा ओके है, तो उसको वापस से लगा दिया गया है, वेल सर्विस्ड होकर के अब वॉशिंग कंपार्टमेंट में मेरी जो है बुलेट पहुंच चुकी है, तो वॉशिंग के बाद इसको पॉलिशिंग किया जाएगा और उससे बिलिंग होगी, और बिलिंग होने के बाद ये मेरे को हैंड ओवर कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैंने जो है यहाँ पर बहुत सारे टायर देखे, मैंने रालको का भी टायर देखा, मैंने MRF का भी टायर देखा, बट मुझे जो C8 का टायर है वो बहुत ही अच्छा लगा, ग्रिप बहुत अच्छी लगी C8 के टायर की, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जो टायर है वो ये वाला टायर है, ये इसकी ग्रिप देखिए कितनी बढ़िया ग्रिप है, और 5 साल की वारंटी में ये टायर है जो कि मैंने अपनी बुलेट में मैं लगवाने जा रहा हूँ, ये करीब करीब 2500 का ये टायर है। तो क्योंकि आप कोई भी लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो टायर बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज़रूरी होता है टायर की जो ग्रिप है या टायर की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, कि कहीं आपको रास्ते में दिक्कत ना आ जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैंने इसलिए जो है C8 चूज़ किया है, क्योंकि C8 एक कंपनी है और C8 की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, या तो MRF या C8 2।